हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरा आज का वीडियो है वो भी एक रिव्यू वीडियो है। एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि मुझे आज डिलीवर हुआ, तो मैंने सोचा उसका वीडियो शूट कर लूँ। मैंने एक ना फोल्डेबल वार्डरोब ऑर्डर किया है जो कि मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है। मैंने इसे ओपन नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं ओपन करके कि अंदर प्रोडक्ट कैसा है। आई थिंक इसका कवर है जो उसको बाहर से पूरी कवरेज देगा, आई मीन इस रैक को कवर करने के लिए। इसमें पाइप्स हैं, ये एक पेपर इसमें से ही निकला था जिसमें हमें इसे असेंबल करना बताया कि कैसे हम इसे असेंबल करेंगे। तो हमें इसमें ये जॉइंट्स मिले हैं, ये रॉड्स मिली हैं जिनके साइज डिफरेंट है, और ये चीजें मिली हैं। तो ये इसका आउटर लेयर है। जो स्टफ है तो ओके है, अकॉर्डिंग टू प्राइस स्टफ ओके है, लाइट स्टफ भी नहीं है। अब देखते हैं कि कितना सामान मीन कितना वेट ये कैरी कर सकता है। जो बच्चे होगी वो मैं साइड पे शेयर कर दूंगी। तो चलिए हम इसे असेंबल करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। मैंने स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से हम इनको करते हैं। मैंने ना इसका एक फिक्स कर दिया, तो मैं मिलती हूँ आपसे सभी फिक्स करके। छोटी पाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू इस पेपर के। जो छोटी पाइप है ये 17 सेंटीमीटर की है, वो हमें यहाँ 25 सेंटीमीटर वाली जहाँ उससे लंबी जो 53 सेंटीमीटर है वो हमें ये 53 सेंटीमीटर की है, ये 25 सेंटीमीटर की, और जो मैं अभी यूज कर रही हूँ ये 17 सेंटीमीटर। वार्डरोब को असेंबल करते करते ना मेरे साथ बड़े सीन हुए। पहला तो कि इसके 6 शेल्फ्स थे और मैंने इसके 5-6 शेल्फ बनाए थे, और मैं हाथ में रॉड्स लेके घूम रही थी कि यार ये मुझे एक्स्ट्रा क्यों मिली है, एक्स्ट्रा क्यों मिली है। तो लास्ट में वो एक जो आखिरी शेल्फ था वो लास्ट में कहीं से निकला, मतलब ओ अच्छा ये इसके लिए था। देन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ना एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली और एक चीज़ कम डाली। क्या एक्स्ट्रा डाला है क्या कम डाला है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और इस वार्डरोब को पूरा करने के लिए ना मुझे एक जुगाड़ लगाना पड़ा, तो वो जुगाड़ भी आपको आगे चल के ही दिखेगा, तो वीडियो में बने रहे। I'm done with this. अब जो है मुझे एक एक्स्ट्रा मिला है, तो
पूरे 17 सेंटीमीटर की एक रॉड जो है वो मिसिंग है। उसके बदले मुझे ये मिला है, इसको मैं कहाँ लगाऊँ अब, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा रैप पूरा नहीं होगा। क्या कर रही हूँ, सोचो। मिनट में वापस आती हूँ अपने उस आइडिया के साथ। सो आई एम बैक। इस साइज़ की मुझे कोई रॉड तो नहीं मिली, बट मुझे लकड़ी मिली है। मैं देखती हूँ इसमें फिट आती है या नहीं। लूज है बहुत ज़्यादा। मैं क्या करना है कि मैंने एक पॉलिथीन लिया था, उसको मैंने दो तीन फोल्ड किए, फिर जो मेरे पास वुडन स्टिक थी मैंने उसमें लपेट कर उसको उस जॉइंट में डाल दिया था, तो वो बहुत अच्छे से उसमें फिट भी हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये ट्राई करो। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको रिटर्न करा के दूसरा ऑर्डर करूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। आप रिटर्न करवा सकते हो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। ये हैक उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो चीज़ को रिटर्न करवा के दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस कर सकें। ये रहा मेरा रैक विद माय जुगाड़। ये क्लोज रिव्यू देख लीजिए आप इसका। इस तरीके से पूरा जो ये फोल्डेबल अलमीरा है ऐसे होगा। बाहर से आपको इसकी कवरिंग में मिल जाएगी, इसके अंदर सब सेफ रहेगा, कवर रहेगा। कपड़े हैं तो कपड़े एकदम साफ रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस कवर। ठीक है, 6 शेल्स हैं इसमें। लो है कि कुछ फट जाएगा नहीं। ओके है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो जरूर। क्वालिटी वाइज ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आप इसे ऑर्डर नहीं करो। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, ज़रूरी नहीं आपके साथ होगा। अनपैकेजिंग ओवर रिव्यू था फोल्डेबल वॉटरप्रूफ पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप रेंट पे रहते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, आपको शिफ्ट करना पड़ता है, तो बड़े बड़े अलमीराज हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इनमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिल सकते हैं। जो भी इसका प्राइस और पिक्चर होगी वो मैं स्क्रीन पे लगाती हूँ। प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मस्त वाला लाइक चिपका दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन है ना उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो नोटिफिकेशन देता रहेगा आपको मेरी वीडियोज़ के आने का। तो मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।